नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देवी से अच्छी तरह प्रार्थना करना। महा, मैं वकील के घर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खाकर आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, तुम लोग खाना खा लेना। सॉरी मैडम, गलती से धक्का लग गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ दो। आप देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हो तुम लोग। ए पंडित, कितनी बार तुझे समझाया, तुम नहीं सुधरोगे क्या? क्यों नागा को बार बार खून करने पर मजबूर कर रहे हो? हमसे पूछे बगैर महा को तुमने अकेले मंदिर क्यों भेजा? अब तक तुम्हारी वजह से 12 लोग मर चुके हैं, 15 लोगों के ऊपर एसिड डाल दिया, 6 लोगों के हाथ काट दिए और 2 लोगों के पैर काट दिए, ये सब पाप तुम्हारे सर चढ़ेगा। ए पंडित, वो भले मिनिस्टर हो या फिर डॉक्टर, महा के नजदीक जो भी आएगा उसका भी यही हाल होगा। सीधे मंदिर जाओ, मंत्र बोलो, फिर घर जाकर दही भात खाओ और अपनी जिंदगी शांति से बिताओ, नहीं तो तुम अंजाम जानते हो। चलता हूं। क्यों रे, किस बात में मजाक करना चाहिए, तुम नहीं जानते? अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया, वरना अब तक न जाने क्या हुआ होता, नहीं तो तुम लोग रेगिस्तान में जाकर काम कर रहे होते। गले में स्टेटोस्कोप डालने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, उसके लिए अकल भी चाहिए। तुम लोग किसी भी काम के लायक नहीं हो, तुम लोग नहीं सुधरोगे, इसलिए तुम लोग हमेशा डीन से इतनी गाली खाते हो। तुम लोगों को समझा समझा कर मैं थक गया हूं, आज के बाद तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा और बात भी नहीं करूंगा। आप बोल सकते हैं। हेलो, आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप बोल सकते हैं? मैं? तो उस दिन इशारे क्यों कर रहे थे? आप भी तो इशारे में बोल रही थी, अब बात कर रही हो। क्या मैंने कहा मैं बोल नहीं सकती? क्या मैंने बताया कि मैं बोल नहीं सकता? फिर उस दिन शायद कुछ गलतफहमी हुई है। बाय। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? महालक्ष्मी। मैडम, हम राधिका मैगजीन से हैं, हमारे लेडीज स्पेशल इशू के लिए आपका इंटरव्यू चाहिए। प्लीज, मैं इंटरव्यू नहीं देती। आपने महाराष्ट्र का बेस्ट चेस प्लेयर ट्रॉफी जीता है, आपका एक इंटरव्यू दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, प्लीज। प्लीज सुनिए, आज तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मेरे साथियों को पसंद नहीं है, पर अब मैं इंटरव्यू दूंगी। एक सवाल है, क्यों, जितने चाहिए पूछिए। थैंक यू मैडम। फ्यूचर में चेस चैंपियन बनने की इच्छा है आपकी? ऑफ कोर्स, मेरी भी यही इच्छा है। मेडिकल स्टूडेंट को इस खेल में कैसे दिलचस्पी हुई? मेरी सिस्टर इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, एक्चुअली ये अवार्ड उसी को मिलना चाहिए, मैंने ले लिया है। ये बताइए, आपका होने वाला पति कैसा होना चाहिए? मैं क्या बोलूं, जी हां, मैं घर पे भी ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, मुझे वही पसंद है, ज्यादा टाइम, मुझे ही फंसा दिया। कुछ नहीं, उस दिन जो स्टेशन पे मिला था वो बोल सकता है।
उस दिन जो मिला था ना वो बोल सकता है। फिर उसने मुझे उल्लू बनाया ना। अच्छा तो तू कह रही है कि मैं बेवकूफ हूँ। इसको बोल के गलती की मैंने। मेरी माँ बस गुड नाइट। आपने महाराष्ट्र का बेस्ट चेस प्लेयर के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। आपका होने वाला पति महाराष्ट्र का बेस्ट चेस प्लेयर मेडिकल स्टूडेंट को इस खेल में कैसे करना चाहिए। महाराष्ट्र का बेस्ट चेस प्लेयर ट्रॉफी बनाने के लिए आपका होने वाला पति कैसा होना चाहिए। नमस्कार मामा जी। कौन? मैं विश्वनाथ जी का बेटा वेंकट। भूल गए क्या? अरे वेंकट, कितनी जल्दी बड़े हो गए। क्या कर रहे हो आजकल? मैं श्रीलंका में काम कर रहा था पर अब लंदन में नौकरी मिल गई है, इसी महीने लंदन जा रहा हूँ। अच्छी बात है। लेकिन पापा कह रहे थे आप कुछ परेशान से हैं। अगर आपकी भी इच्छा है तो बताइए, मैं महा से शादी करूंगा और लंदन ले जाऊंगा उसे। एक किताब भी नहीं गई ना। सारी खरीद ली ना। हाँ? प्रेस से जैसे ही लॉरी बाहर निकली उसी समय हमारे आदमी लॉरी को वहां से लेके भाग आए। राज्य के किसी भी दुकान में ये किताब नहीं मिलेगी। उस लंदन वाले को पकड़ लाए हैं। हम लोग तो सिर्फ महा की तस्वीर वाली मैगजीन प्रेस से उठा कर लाए, पर तुमने तो उससे शादी करके यहाँ से लंदन भगा ले जाने का प्लान बना लिया है। लेकिन नागा महा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। महा को अगर किसी ने अनजाने में भी धक्का दिया तो उसके हाथ पैर काट देंगे। और तुम लंदन ले जाने का प्लान बना रहे हो, इसीलिए नागा ने तुम्हारे लिए कुछ नया ट्रीटमेंट रखा है। नागा ही तुम्हें ट्रीटमेंट देगा, ठीक है? ये मेरा तैयार किया हुआ नकली पेट्रोल नहीं है, तुम्हारे लिए खरीदा हुआ असली पेट्रोल है। और अब मैं तुम्हें इसे नहलाता हूँ। सर नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती होगी मुझसे। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा सर। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सर, मुझे माँ के बारे में सोचेगा? नहीं, जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे। बात करेगा उससे? नहीं, बात भी नहीं करूंगा मैं। जाओ जाओ जाओ। थोड़ा नहीं चाहिए तो छोड़ो ना माँ। आजकल के बच्चे घर पर दूध नहीं पीते हैं, होटल में जाकर ये कोल्ड ड्रिंक वो खाना है, वो क्या कहते हैं उसे, पिज्जा। हाँ पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। ऐसा सब खाना कैसे खाते हैं, दूध वूध क्यों नहीं पीते? ओके एडवाइस चाची, चलती हूँ। किसी का अंतिम संस्कार करना है, नाम है वेंकट, उम्र 25 साल। तुम उसे जानते होगे, वो तुम्हारी बेटी से शादी करके उसे लंदन ले जाने वाला था। शायद उसकी शादी करने की उम्र हो गई है। मैं भी 4 साल से यही कह रहा हूं, उसकी शादी मुझसे कर दो। 4 साल नहीं, 40 साल भी चलेगा, मैं इंतजार करूंगा। चार साल ही नहीं, 40 साल भी चलेगा, मैं इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा।
नंबर 4 की गाड़ी आज 10 मिनट देर से आ रही है। यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है। किसी को ढूंढ रही हो? मैं बहुत देर से वॉच कर रहा हूं तुम्हें। आप किसी को ढूंढ रही हैं? कोई हेल्प चाहिए? कितनी बढ़िया जगह है। एड्रेस ढूंढ कर भी नहीं मिल रहा है। आइए आइए। भैया नमस्ते। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उदयपुर से। अच्छा उदयपुर जा रहे हैं, आप लोग बस में जाएंगे? अरे नहीं, अभी तो हम लोग बस से उतरे हैं। अभी आए हैं? क्यों आए आप लोग? हाँ भाई साहब, अपने बचपन के दोस्त राजन के घर का पता ढूंढ रहा हूँ। जरा देख के बताइए कि कहाँ है ये। मैं तो अपना पता भी भूल चुका हूँ, आपका पता कैसे बताऊंगा मैं। अच्छा तो एक काम कीजिए, मेरे इन घर वालों का ख्याल रखिए, मैं जाकर ये पता ढूंढता हूँ। ये लोग क्या मेरे सिर पर बैठने वाले हैं? नहीं, यहाँ पर बिठा दीजिए। हाँ, आप जाइए। जरा संभाल कर रहना, इस शहर में चोर बहुत होते हैं। जरा देखिए। अच्छा वो चला गया, आइए बैठिए बैठिए। क्यों बहन जी, आपके ये गहने कितने तोले के हैं? क्यों? मैं शादी करने वाला हूँ, दहेज में गहने मांगने ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरे को 70 तोले दिए और इसे 20 तोले दिए। पूरे 90 तोले के हैं। अरे रे भगवान, मैं क्या करूँ? क्या हुआ बहन जी? मेरे पति पता नहीं कब से गए, अब तक नहीं आए हैं, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? देवर जी आप इनका ध्यान रखो, मैं भी ढूंढ कर आती हूं। रुकिए रुकिए बहन जी, मैं जाकर देखता हूँ। प्लानिंग करने से पहले ही 70 तोले चले गए। अरे ये क्या, भैया और भाभी दोनों साथ में चले गए? और नहीं तो क्या। मीनाक्षी चलो देख कर आते हैं। चलो चलो चलते हैं। भैया जरा मेरे बच्चों को देखना, मैं भी आता हूं। थोड़ा देखना बाबा, हम आते हैं। चले। अरे रे 20 तोले भी गए। भैया देख लीजिए, मैं भी चलता हूं। हां जाओ, तुम लोग भी जाओ, तुम लोग जाओ। कितना अच्छा हुआ सब चले गए, बस बच्चे बाकी हैं। हां जाओ जाओ जाओ, ऑटो बुलाकर इन बच्चों को भी भगा देता हूं। अच्छा ये कहां से आ गया? ये एड्रेस न जाने कहां का है, कोई बता ही नहीं पा रहा है, लगता है शहर ही छोड़कर चला गया। अरे बाप रे, क्या हुआ? कहां गए मेरा परिवार? वो लोग तो आपको ढूंढने के लिए गए। मुझे ढूंढने गए हैं? हाँ। अरे इतने बड़े शहर में मुझे कहां ढूंढेंगे? एड्रेस हाथ में लेकर जब मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो ये लोग मुझे कैसे ढूंढेंगे? उन्हें कहां छोड़ दिया? अबे मैंने तुझे उन लोगों का ख्याल रखने को कहा था, मेरे परिवार का ख्याल रखने को कहा था, पता कहां गए वो लोग? कान खोलकर सुन ले, अगर मेरा परिवार नहीं मिला तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। ए पूनम, ए कलावती, ए विनोद, अरे सब कहां गए रे? अरे आ जा रे। मेरा क्या कसूर था? अरे मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब कहां चले गए? वो तुम्हें ढूंढने के लिए गए हैं। मुझे कहां ढूंढेंगे मुझे? अरे तुझे कीड़े पड़े, मेरे परिवार को तूने अगर मेरा परिवार नहीं मिला ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। उसे जाकर ढूंढो। कहां ढूंढूं अपने परिवार को? अरे अरे कहां गए हमारे भाई बहन? क्या मालूम चले गए मेरे बच्चे? बताओ बताओ। अरे तूने कहां भेज दिया? मेरे सत्यानाश हो, चल 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 ढूंढते हैं। चलो चलो कहां गए हमारे परिवार वाले? हां चल चल बोल बोल, चल 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 ढूंढते हैं। सब लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? कहां गए थे? कहां गए थे? आओ यहां बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। तुम्हारी वजह से कितनी मार खाई है। मेरी बहन मलिका आ गई यार, देखो मेरी बहन मलिका। अरे कहां गए थे तुम लोग? अरे कहां गए थे? अरे कहां चले गए थे तुम सब लोग? मैं कितना परेशान हो गया था इस शहर में, आज के बाद हम लोग शहर की तरफ देखेंगे भी नहीं। चलो हम सब लोग गांव वापस चलते हैं। जाओ जाओ, फिर कभी शहर मत आना। इतना मारा है जितना चोरी करने पर भी कभी नहीं मार खाई। तुमने तो मेरे परिवार को अलग कर दिया था। पूनम अब अलग मत होना। कैसे बेवकूफ है, पहले तो ये लोग खुद ही आए, उसके बाद खुद ही बिछड़ गए और उसके बाद अपने आप मिल गए, लेकिन मुझे क्यों मारा? ये सब मेरे साथ क्यों होता है भगवान? डियर स्टूडेंट्स, ये डेड बॉडी है, इससे हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस बॉडी को देखने से ये 60-65 की उम्र का होगा, पर इस उम्र में इसने 13 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश की थी, इसी वजह से ये हार्ट अटैक में मारा गया। ये जरूर 2 बीवियों वाला इंसान रहा होगा और इसकी बॉडी में इस तरह की प्रवृत्ति बचपन से ही होगी, जो कि उम्र के साथ साथ डेवलप होती गई होगी। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो किसी भी पोजीशन में किसी भी मनुष्य के अंदर। किसी को ढूंढ रही हो? नहीं तो नहीं, मुझे ऐसा लगा। मैं क्यों ढूंढूं? तो ढूंढा नहीं? नहीं। ट्रेन में ढूंढा? नहीं। शायद सुबह ट्रेन में नहीं आई।
हाँ। ओ, इसलिए अभी ढूंढ रही हो? मैं किसे देखूं, जो ढूंढूं किस लिए? मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रही हूँ। नहीं, डेली साथ में आने वाले एक दिन नहीं आए तो लोग ढूंढ लेते हैं, इसलिए पूछ रहा था। मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी। मे आई हेल्प यू? ट्रेन में आने के डर से टू व्हीलर से आ रही हो क्या? किसी को अवॉइड करने के लिए तुम ऐसे कर रही हो? क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अगर किसी की गाड़ी बीच में रुक जाए तो कोई भी मदद करता है, ऐसा ही सोच लो। क्यों, आपको बुरा लगा? चलिए उतरिए। एक्सक्यूज मी, थैंक्स। इलेक्ट्रॉनिक मशीन फेल्यूर हो चुका है, आजकल के पार्ट सब वेस्ट हैं, अपना मैन पावर दिखाने का वक्त आ गया है। एक्सक्यूज मी, आपको चोट लग जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा था ना आजकल के पार्ट्स वीक होते हैं, मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अभी रिपेयर करके लाता हूं। एक्सक्यूज मी, माय कोट। एक्सक्यूज मी, माय बुक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अबे तेरी ये मजाल, मुझसे पैसे वापस मांगता है रास्ता कहीं का? चल खड़ा, अबे घर जा दिया है, कोई एहसान तो नहीं किया? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मेरा कर्जा वापस नहीं दोगे क्या? हां, जो लिया है वो दोगे नहीं क्या? अबे मैंने तुझसे कर्जा लेने के लिए कितनी बार घर के चक्कर काटे हैं, अब मुझे परेशान कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे बचाओ भाई, बचाओ। बैंक में जिस तरह कर्जा लेने के बाद अगर कोई वापस नहीं करे तो उस पर कार्यवाही करते हैं, उसी तरह तुम्हें करना चाहिए। साइलेंटली काम करने की जगह तुम इस तरह पब्लिक में सरेआम मुझे बदनाम नहीं कर सकते। सुन, पब्लिक में लफड़ा नहीं मांगता है, हम लोग किसी कोने में चलकर बात करते हैं, इनको ऑफिस जाने दो, हम लोग किसी कोने में चलकर आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, सब आप जाइए, साहब आप जाइए ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है, जाइए आप, जाइए हम लोग इसे निपट लेंगे। जाइए जाइए ना, आप जाइए जाइए, आ जा। हे भगवान, मर गया। आ गया। एक पर्स मारने के लिए कितना नाटक करना पड़ता है हमें यार, हम लोगों से अच्छे तो भिखारी लोग। जाने दो, लेकिन माल तगड़ा था। लाओ जरा पर्स देखते हैं। भैया पर्स तो ओरिजिनल लगता है, एक हफ्ते का कर्जा निकल जाएगा, ये लीजिए, अपने हाथों से निकाल कर अपने छोटे भाई को कुछ दीजिए। जो दूंगा चुपचाप रख लेना। उसे छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया। मैंने उसको नहीं पकड़ा है, उसने मुझको पकड़ के रखा है। अरे इसे छुड़ाओ, छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दीजिए, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अरे कैसे आदमी हो तुम, पर्स में बिच्छू रखकर घूमते हो, अच्छा लगता है तुम्हें? सॉरी। क्या सॉरी? बस जरा मिस हो गया। क्या मिस हो गया? मैं हमेशा पर्स में सांप रखता हूं। बाप रे। तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है? नमस्ते सर, मैं आपकी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो क्या हुआ? उनकी बाइक रिपेयर हो गई तो सोचा मैं चल कर। तो ठीक है, चाबी दो और जाओ। वो बात नहीं है सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे तुम समझते क्यों नहीं हो,
मैं खुद मैकेनिक के पास से रिपेयर करवा के ले आ रहा हूं। फुर्सत में मंदिर में है ना, वहां थैंक्स बोलूंगा। अब तो जाओ। सर, उस दिन ट्रेन में मिला था, बताया था ना? हाँ, ठीक है, बाद में थैंक यू बोल दूंगा भाई, अभी तो यहाँ से जाओ, बड़ी मुश्किल है यहाँ पे। लगता है आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, अभी तो जाओ। तो तुम शहर में नए हो? जी सर, मैं तूतुकुड़ी गांव से हूँ। ये जोची है, बिल्कुल सही पहचाना। वो महा की गाड़ी खराब हो गई थी, उसे ठीक करके घर ले आया, और कुछ नहीं। मैकेनिक है? जी नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर गाड़ी कैसे रिपेयर कर सकते हैं? जब हम इंसानों को रिपेयर कर सकते हैं, तो क्या गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकते? इट्स ऑल मल्टीपर्पज मीडिया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। नहीं। हाँ चलो। पुजारी जी बहुत अच्छे आचरण के होते हैं, ये सच है कि वो किसी को घर में नहीं लेते। मैं चलता हूँ। आप गलत मत सोचे कि मैं तुरंत यहाँ से जा रहा हूँ, एक दिन फुर्सत से आकर आंटी के हाथ की फिल्टर कॉफी पीऊंगा। ओके, ग्लैड टू मीट यू। वो कुछ नहीं, वो लड़का कॉलेज में माँ के साथ पढ़ता है। सुन, तुम्हारे घर में कोई भी आ जा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। जब तक ये चेन तेरे गले में है, कोई तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं करने नहीं दूंगा। जिस दिन तुम्हारे गले में ये चेन नहीं रहेगी, उस दिन तुम्हारे घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा। आज मैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, व्हाट इज सेक्स। हमारे ह्यूमन बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस कब आते हैं? कुछ लोगों में 12 साल में आते हैं, कुछ लोगों में 15 से 20 साल में आते हैं, कुछ लोगों में 35 साल में आते हैं, और कुछ लोगों में आता ही नहीं है। इसे पुरुषों में एंट्रोजन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन कहते हैं। पुरुषों में आवाज बदलती है, उनके चेहरे में दाढ़ी बढ़ती है, छोटी छोटी मूछें भी आती हैं। उसी समय स्त्रियों में अट्रैक्शन के कुछ चेंजेस होते हैं। सब कहते हैं कि एक इंसान के दिल से प्यार शुरू होता है, लेकिन साइंटिफिकली ये बताया गया है कि हमारी पेट्रुइटी सबका कारण है। हमारे पसंदीदा लोग अगर हमारे नजदीक नहीं हैं, तो आंखें उन्हें ढूंढने लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, रोज लोकल ट्रेन में एक लड़का और एक लड़की ट्रेवल करते हैं, और अगर रोज आने वाला वो लड़का एक दिन नहीं आता, तो उस लड़की की नजर उसे ढूंढने लगती है। पता है इन सब का कारण क्या है? हार्मोन्स। ये हार्मोन्स मन में प्यार जगाता है। रोज क्लास में एक जगह पर बैठने वाला वो लड़का अगर एक दिन भी नहीं आता, तो उस लड़की का दिल घबरा उठता है। उसे ढूंढकर परेशान रहने वाली वो लड़की जब उस लड़के को देखती है, तो ऐसे एक्ट करती है कि उसने उसे ढूंढा ही नहीं। एक लड़की को खाते समय, सोते समय, नहाते समय उसी लड़के की याद आती है। इस इंटेंसिटी को ही प्यार कहते हैं। सामने जो लोग दिखते हैं, सब उसके जैसे दिखते हैं। दूसरों की आवाज उसके आवाज जैसी लगती तुम है। तुम नहीं ढूंढोगे तो भी एस्ट्रोजन तुम्हें ढूंढने पर मजबूर कर देगा। तुम नहीं ढूंढोगे तभी एस्ट्रोजन तुम्हें ढूंढने पर मजबूर करेगा। Mm-hmm.